नमस्ते दोस्तों, ओ टेस्टी रेसिपी पास्ता, घरेलू पास्ता, देसी पास्ता खाएंगे। देखो ऊपर धनिया लीव्स डाले हैं मम्मी ने, होते नहीं है तो ठीक है। फिर आज खाते हैं सॉसी पास्ता, सब सॉस के पास्ता खाएंगे आज। तो पहले चलिए फिर इंग्रेडिएंट्स लिख लीजिए, कमी है इंग्रेडिएंट्स दोस्तों, देसी पास्ता टाइप्स है ये, मज़ा आएगा। छोटी सी रेसिपी है, 5 मिनट में ख़त्म। ये पहले कढ़ाई को गरम कर लेंगे मीडियम फ्लेम में। गरम करने के बाद अब इसमें 2 से 3 टेबलस्पून जितना तेल डालेंगे। ओके, तो तेल थोड़ा गरम हो जाए उसके बाद इसमें डालेंगे गार्लिक, लहसुन डालेंगे। लहसुन थोड़ा सा गरम करने के बाद अब इसमें क्या डालेंगे हम, ये एक चॉप ग्रीन चिली है, हरी मिर्च, उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है दोस्तों। लॉकडाउन आपका कैसा जा रहा है दोस्तों, कमेंट्स में लिखिए। कुछ बना रहे हो तो वो भी लिखिए और कमेंट्स में लिखिए क्या देखना चाहते हो आप नेक्स्ट। ये आ गया एक स्लाइस प्याज, प्याज डाला है, स्लाइस किया हुआ है, आप चॉप भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। प्याज के बाद डालेंगे हम कैप्सिकम, ये भी स्लाइस है, एक ही डाला है कैप्सिकम भी, इसे भी आप चाहे तो चॉप कर सकते हो। तो अब कैप्सिकम के बाद ये एक पिंच जितना सॉल्ट डाला है, सॉल्ट डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इसे। आप चाहे तो ये बटर में भी या ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हो दोस्तों। अब ये सब सॉसेस डालेंगे हम, पहले 3 ही सॉस डालेंगे। ये हमारा रेड चिली सॉस है, उसके बाद टमाटो सॉस और शेजवान सॉस डालेंगे। तो ये सब सॉस डालने के बाद ये हमने 1/2 कप जितना पास्ता स्टॉक डाला है, जिसमें हमने पास्ता बॉईल किए थे, पास्ता हमने पहले से बॉईल करके रखे दोस्तों, थोड़े से नरम हो जाए तब तक बॉईल करना है दोस्तों पास्ता को। हमने यहाँ पे ट्विस्टी पास्ता यूज़ किया है, ये ओरेगानो लिया है 1 टीस्पून जितना, उसे भी मिक्स कर लेंगे। तो आप बताइए पास्ता आप स्पाइसी पसंद करते हो कि फिर, ये देखिए पहले सब्सक्राइब कर लीजिए फिर हम बातें करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू का बेल आइकन भी दबा लीजिए। तो अब ये सोया सॉस डालेंगे हम 1 टीस्पून जितना। हाँ, तो अब आप सब्सक्राइब कर चुके हो तो अब बात करते हैं कि आपको पास्ता कैसे पसंद है। रेड पास्ता, वाइट पास्ता की तो रेसिपी आपको ऊपर कार्ड में मिल जाएगी, या फिर एक पिंक पास्ता भी होता है दोस्तों, वो भी हम बनाने का ट्राई करेंगे। ये एक फ्रेश क्रीम डाला है 1 to 2 टेबलस्पून जितना, 1 to 2 टेबलस्पून जितना फ्रेश क्रीम, ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। वो फ्रेश स्टॉक भी हमने इसके लिए डाला था पास्ता का, जिससे ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाए। अब ये आ गए हमारे 150 ग्राम जितने ट्विस्टी पास्ता, तो उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और आपने हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब को तो सब्सक्राइब कर ही लिया है, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम को नीचे लिंक है, उसे में भी फॉलो कर लीजिए नीलम्स किचन को। और तब तक हम इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद, तो आपने हमारे व्हाइट पास्ता की तो रेसिपी देखी होगी दोस्तों, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप चाहे तो ओरेगानो के साथ चिली फ्लेक्स भी इसमें ऐड कर सकते हो, बहुत मज़ा आता है। ये देखिए मम्मी ने रेड चिली पाउडर डाला है, बोला था ना मैंने देसी रेसिपी है, तो रेड चिली पाउडर डाला है इसमें। आप चाहे तो चिली सॉस ज़्यादा डाल सकते हो, पर फिर वो मज़ा नहीं आता दोस्तों, इसीलिए हमने रेड चिली पाउडर डाला है इसमें, उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास्ता यहाँ पे ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ पास्ता रेडी है, हम इसे सर्विंग प्लेट में ले लेंगे। आज सर्विंग प्लेट थोड़ी अलग है हमारी, तो सर्विंग प्लेट में ले लिए हमने। तो पास्ता हमारा रेडी है, सिंपल सॉस वाले पास्ता है ये। ये ओरेगानो छिड़क दिया ऊपर। तो चलिए दोस्तों फिर आप बनाइए ये पास्ता, मैं एंजॉय करता हूँ। ये देखिए धनिया लीव्स जो होते नहीं है पास्ता में, पर हमने डाले हैं यहाँ पे।
आप एंजॉय कीजिए ये पास्ता की रेसिपी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए स्टे सेफ। ओ